हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मैं आपको पूरा उससे डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या है उसमें और क्या आपके लायक उसमें इंफॉर्मेशन है और क्या नहीं है आपके काम का। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें स्टार्टिंग में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये ग्रुप सी के लिए है या फिर उसके जो भी पद उससे जो भी आपके रिलेटेड जो वैकेंसी निकलेंगी उसके लिए है ये एग्ज़ाम। प्रीलिमिनरी जैसा कि आपका यूपीएससी में होता है प्री एग्ज़ाम, उस तरीके से आपका एक प्री एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले जैसा कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से है कि जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। और आपका ये जो टाइम पीरियड मिलेगा आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए वो 2 घंटे का टाइम होगा। उसके बाद इसमें आपका सिलेबस के बारे में दिया गया है। जो आपका सिलेबस दिया है सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री का दिया है, मतलब भारतीय इतिहास का, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सब आपका इंडियन हिस्ट्री में था। सेकंड जो आपका है वो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आंदोलन हुए थे हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, वो उसमें से कुछ मेन आंदोलन जो मूवमेंट्स हैं वो उठाए गए हैं और जो उसमें से आपको 5 दिए गए हैं ये, और आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, आपको बाकी सारे नहीं पढ़ने हैं। तो इसमें जो ये दिए हुए हैं 5 वो कौन कौन से हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, बस ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। फिर सबसे पहले फिर आता है आपका तीसरे नंबर पे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें कि आपके नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और सूक्ष्म क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, और ये सिर्फ विशेषकर भारत में जो होते हैं वो। उसके बाद है आपका इसमें भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिक परिवर्तन तथा प्रवास, ये आपके टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो फोर्थ है वो है इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें आपके टॉपिक्स हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। उसमें आपको क्या क्या जानना है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, उसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये टॉपिक्स आपके इसके हैं। नेक्स्ट है इसमें वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और है फिर है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST। फिर फिफ्थ जो है आपका वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें टॉपिक्स हैं भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये हैं आपके इसमें टॉपिक्स। फिर है जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। उसके बाद आपका जो सिक्स्थ है वो है सामान्य विज्ञान, मतलब जनरल साइंस। इसमें आपको जो भी बेसिक जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, वो आपको बेसिक बेसिक इसमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। और उसके बाद आपका सेवेंथ है यहाँ पे एलिमेंट्री अर्थमेटिक, प्रारंभिक अंक गणित, इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता,
साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये हैं आपके अर्थमैटिक्स में। उसके बाद है आपका जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत विभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं और सामान्य अंग्रेजी। उसके बाद है अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और ये आपका सब किसमें है, सॉरी यहाँ आपका लेखक और रचनाएं, ये हिंदी में था। उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश, जो आपको जनरल इंग्लिश आएगी। अंग्रेजी व्याकरण मतलब ग्रामर, और उसके बाद आपके जो आएंगे वो अनसीन पैसेजेस होंगे, जिसको अपठित गद्यांश बोलते हैं। उसके बाद है यहाँ पे 10th लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसमें आपका वृत्त एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, यह आपके रीजनिंग में। उसके बाद है आपके करंट अफेयर्स में आपके इंडियन और पूरे वर्ल्ड की लेवल पे जो भी करंट अफेयर्स हैं आपको सारे ही पढ़ने हैं, इसमें आपको क्लियर है भारत एवं वैश्विक सब। फिर है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको जो मेनली पढ़ना है वो है भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंसाधन संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो 13th नंबर पे है वो आपका अपठित गद्यांश, ये हिंदी में है, जो आपको अनसीन पैसेज होता है वो दो आएंगे आपके, और हर एक में 5-5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन एक मार्क कैरी करेगा, जिसके हिसाब से 10 मार्क्स के आएंगे आपके। और जो ग्राफ हैं आपके, वो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये चीज़ें आपको करनी है। दो ग्राफ होंगे, 5-5 प्रश्न होंगे दोनों में। और उसके बाद 15 नंबर पे तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, दो तालिकाएं आएंगी जिसमें दोनों में 5-5 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न एक नंबर का होगा। अब यहाँ पे इनकी जो मार्किंग स्कीम है, हर सिलेबस से, हर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपकी जो मार्किंग स्कीम दी हुई है आप वो देख सकते हैं। जैसे इंडियन हिस्ट्री में 5 और नेशन मूवमेंट में 5, ज्योग्राफी से 5, इकोनॉमी से 5 और आपके कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5, जनरल साइंस से 5, अर्थमेटिक्स से 5 और हिंदी से 5, इंग्लिश से 5, रीजनिंग से 5, करंट अफेयर से 10, जनरल अवेयरनेस से 10, गद्यांश से 10 और ग्राफ और तालिका से 10-10। ये आपके क्या है, मार्क्स हैं जो आपके ये सब्जेक्ट्स कैरी करते हैं। और इसमें जो मेन चीज़ दी हुई है आपको वो ये दिया है कि जो क्रम 1 से 9 तक जो भी आपको विषयों में जो बताया गया है कि जो विषय हैं और उनमें जो सिलेबस है उसका डिफिकल्टी लेवल आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा, जो 10 और 10+2 की जो एनसीईआरटी होगी उसी से होगा आपका जो भी डिफिकल्टी लेवल होगा। और उसके बाद जो सारे आपके जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और सब में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके उसमें 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे और एक मार्क्स आपका जाएगा, ही आपको जो नंबर मिलेंगे उसमें से आपके 1/4 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।